हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 28 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की मेरी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। देखो, आज वैसे ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट कुछ लगे नहीं मेरे को न्यूज़ के लिए, तो हम आज कुछ क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एक बार आर्टिकल देख लेते हैं, जो आज तीन चार आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो आर्टिकल आया है वह है ई वेस्ट के बारे में। देखो, अभी ई वेस्ट को लेकर एक यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट है वो जारी की गई है, तो उस रिपोर्ट के कुछ फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। देखो, जो हम मोबाइल कंप्यूटर इस तरह की जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो यूज़ करते हैं, ये जब खराब हो जाते हैं तो इनसे जो कचरा जनरेट हो, जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बोलते हैं ई वेस्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है उसको। तो आज देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड की काफ़ी गंभीर समस्या है वो बन गई है, और इसी समस्या से निजात पाने के लिए सभी कंट्रीज हैं वो कुछ ना कुछ नए नए तरीके हैं वो खोज रही हैं। क्योंकि देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, इनके अंदर जो आईसी, जो चिप वगैरह यूज की जाती है, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, इनमें काफ़ी एक तरह से टॉक्सिक एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो पहुँचाते हैं। कई बार पानी के अंदर कंटेमिनेट होकर पानी को नुकसानदायक फैला देते हैं। इसके साथ ही अगर ओशन में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको इफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज जो बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी खतरा है वो बनते जा रहे हैं। तो देखो, अभी हमें पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है हर साल जनवरी में, कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के दाउस में। तो उस मीटिंग में एक्चुअली इस चीज़ पे फोकस किया गया कि यूएन की जो इंटिटीज हैं उनके द्वारा ई वेस्ट को लेकर रिपोर्ट है वो जारी की गई है। रिपोर्ट का टाइटल तो वैसे ये था कि ए न्यू सर्कुलर विजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइम फॉर द ग्लोबल रिबोट। मतलब हमें जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसके लिए नया विजन लेके आना होगा और एक ग्लोबल रीबूट, दोबारा से सिस्टम को रिस्टार्ट करना होगा, ताकि जो भी एक तरीके से जो ई वेस्ट है इसको हम रेगुलेट कर सकें। इसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। अब देखो, जो यूएन की स्पेशल एजेंसी है, उन्होंने, यूएन के जो ऑर्गन है, उन्होंने सबने इसमें पार्टिसिपेट है वो किया है, और इसमें इस चीज़ पे फोकस किया गया कि जो ई वेस्ट है इसको एक इकोनॉमी पे जिस तरीके से ई वेस्ट का इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर एक लिमिट के बाद कचरा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर कंट्रीज में बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो उसको डिकम्पोज करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी के लिए भी बड़ी समस्या है वो बन जाती है। तो देखो, हम बात करें कि वर्ल्ड की जो ऑल ओवर ई वेस्ट है उसमें से 4% जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, वो तो अकेले इंडिया द्वारा ही जनरेट है वो किया जाता है। तो हम देखें एक तरीके से, और रही बात उसको रिसाइकिल करने की, तो लगभग 20% जो ई वेस्ट है ना ऑल ओवर वर्ल्ड का, उसी को रिसाइकिल किया जाता है। बाकी तो ऐसा कैसा ही बाहर फेंक दिया जाता है, कहीं ना कहीं ओशन में डंप कर दिया जाता है, खाली जगह पड़ी रहती है, ज़मीन में दबा दिया जाता है इसी तरीके से, और वो कहीं ना कहीं काफ़ी कई हजारों खरबों सालों तक उसको डिकम्पोज भी नहीं किया जाता, और वो एक बड़ी समस्या वो बन के सामने उभर जाता है, और पानी वगैरह जिस भी जगह रहता है उसको कंटेमिनेट कर देता है और काफ़ी जहरीली भी हो जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट छोटा सा फैक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या फिर हम बात करें जो हजार्डस वेस्ट है, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सी कन्वेंशन वगैरह है, तो इसको देख के ध्यान एक तो रखनी है हमें, बेसल कन्वेंशन। जो बेसल कन्वेंशन है वो कंट्रोल एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट, और इसी के साथ ही हम बात करें इसको इंडिया ने भी रेक्टिफाई है वो किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हजार्डस वेस्ट को रेक्टिफाई करने के लिए बेसल नॉर्म्स आए थे, ताकि इनको रेगुलेट किया जाए, और ई वेस्ट को जो कचरा वगैरह है इसको मतलब एक्सपोर्ट वगैरह ना किया जाए, सही ढंग से इसका ठिकाना है वो लगाया जा सके। तो ये इस कुछ रिपोर्ट के फैक्ट थे जिन्हें हम यहाँ पे डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे वो आया है भारत रत्न को लेके। देखो, हर साल 26 जनवरी के मौके पे आपको पता है भारत रत्न अवार्ड है वो दिया जाता है, तो इसी बार जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है उसको लेके न्यूज आई है। तो किसको दिए जाते हैं ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट यह ध्यान रखना है कि इंडिया का सबसे बड़ा जो सिविलियंस अवार्ड है भारत का आज़ादी के बाद का, वो है भारत रत्न अवार्ड, जो कि 1954 से स्टार्ट हुआ था। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत रत्न अवार्ड है वो क्या पहले से था वगैरह। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, जो कि 1954 से स्टार्ट हुआ था। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, देखो इसकी एलिजिबिलिटी का कोई वैसे क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इंडिया का पर्सन है वो इसमें मतलब इसके लिए एलिजिबल है वो होता है। कोई धर्म, जाति, लिंग, सेक्स, ऐसा कुछ भी इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, और ना ही इसके कुछ रिटर्न में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि भाई भारत रत्न अवार्ड है वो उस पर्सन को दिया जाएगा जो इस काम में स्पेशल वगैरह हो। बट नॉर्मली हम बात करें भारत रत्न अवार्ड की, यह केवल इंडियन सिटीजन को ही दिया जाता है। ये फैक्ट ध्यान रखना है कि यह अवार्ड ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। और इस अवार्ड की हम बात करें तो जो भी पर्सन मतलब किसी भी एरिया में एक्सपर्ट हो, काफ़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस की हो देश के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए उसने काफ़ी अच्छा काम किया हो, या ह्यूमन इंडेवर के लिए बहुत मतलब हम बात करें एक तरीके से बहुत अच्छा काम करा हो इंडिया की मानवता के लिए या फिर भलाई के लिए, या फिर उसने काफ़ी अच्छी ऐसी रिसर्च किया हो, या फिर पोलिटिकल एरिया में उसका काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हो खेल के एरिया में, तो उन सब के लिए ये अवार्ड है वो दिया जाता है। तो यह ध्यान में हमें रखना है। इसके साथ ही हम बात करें
तीन अवार्ड और होते हैं। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है इंडिया का? भारत रत्न। अब तीन अवार्ड कौन कौन से हैं? वो है पद्म अवार्ड। तो पद्म अवार्ड एक तो है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। तो सबसे पहला नंबर का तो हमारा अवार्ड होगा एक नंबर का इंडिया का भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अवार्ड है वो इंडिया का सेकंड डिग्री ऑनर है, मतलब सेकंड नंबर का सिविलियन अवार्ड हो गया। तीसरे नंबर का जो अवार्ड है वो है पद्म भूषण अवार्ड, जो कि इंडिया का सर्विस सेक्टर में हाईएस्ट ऑर्डर का एक अवार्ड है, या हम बात करें कि थर्ड डिग्री का एक ऑनर अवार्ड है। चौथे नंबर का जो अवार्ड है, चौथे नंबर की जो रैंकिंग पे अवार्ड आता है वो आता है पद्म श्री अवार्ड, जो कि किसी भी एरिया में सर्विस हो कोई भी फील्ड में दिया जाता है। तो ये देखो कुछ अवार्ड्स हैं जिनके बारे में यूपीएससी में भी पूछ सकती है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है 70वें गणतंत्र दिवस को लेके। देखो आपको पता है कि 26 जनवरी को हमारा 70वां गणतंत्र दिवस था और उसी मौके पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं वही। एक तो यह ध्यान रखना कि इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, किसने मतलब फोन इस बार इंडिया के द्वारा इन्वाइट है वो किया गया था। तो जो चीफ गेस्ट थे इंडिया के वो थे इस बार, हम बात करें साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं क्रेल रामपोजा, ये एक्चुअली इस बार हमारे हम बात करें एक तरह से चीफ गेस्ट थे। और ये ध्यान रखना कि साउथ अफ्रीका सेकंड टाइम है वो इंडिया का चीफ गेस्ट रहा। इससे पहले 1995 में जब वहाँ के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे तो वो भी इंडिया के रिपब्लिक डे में उस टाइम पे एक तरीके से क्या रहे थे 1995 में चीफ गेस्ट के तौर पे। तो अभी सेकंड टाइम है साउथ अफ्रीका को मौका इसका मिला है। और जो इस बार हमारे 70वें गणतंत्र दिवस का रिपब्लिक डे की जो थीम थी वो थी लाइफ ऑफ गांधी, क्योंकि देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अभियान चलाए हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हुआ या फिर और भी सारे कैंपेन गांधी जी की साफ सफाई को प्रमोट करने के लिए। और इसी दिशा में जो हमारे देश के फादर ऑफ नेशन यानी महात्मा गांधी हैं उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर एकदम साफ सफाई को प्रमोट किया जा सके, इसके लिए थीम भी इस बार फोकस है वो की गई है। और अहम फैक्ट इसका इस बार ये रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है हमारी इंडियन हिस्ट्री में कि इंडियन आर्मी की जो सर्विस क्रॉप्स होती है ना उसको इंडियन वुमेन ने लीड किया है, मतलब आर्मी सर्विस क्रॉप्स को लीड करने वाली महिला है पहली बार उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट है वो किया। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो परेड वगैरह होती है उसमें एक बार वुमेन ने अपना लीड रोल निभाया है। इसके बाद में हम बात करें इफेक्ट, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ था। देखो इसके पीछे रीजन ये है कि जो स्वराज दिवस था वो आपको पता है कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को पुराना जो पूर्ण स्वराज दिवस है वो मनाया गया था। और उसी की यादगार में उसी की मतलब उसको वैल्यू देने के लिए ही इंडिया ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान है वो लागू किया था। तो यह ध्यान रखना है कि जो पूर्ण स्वराज दिवस था उसकी एनिवर्सरी के मौके भी इंडिया ने अपना संविधान है वो लागू किया था। और पूर्ण स्वराज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये बताइए कि पूर्ण स्वराज जो दिवस था इस टाइम पे इंडिया का वॉयसरॉय कौन था, ये आपको बताना कि भाई इंडिया का वॉयसरॉय उस टाइम पे कौन था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम। देखते हैं प्रवासी डिविडेंड पेंशन स्कीम। देखो यह जो स्कीम है वो केरला गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है और जो प्रवासी हैं उनके लिए स्कीम है वो लाई गई है। क्या है इस स्कीम के प्रावधान वो हम देखते हैं। इसमें देखो फोकस किया गया है जो केरला के जो मलयाली लोग्स हैं उनको फोकस किया गया है कि केवल केरला के जो मलयाली लोग्स हैं उनको ये मतलब पेंशन स्कीम का उसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब इसमें क्या किया गया है, इस स्कीम में केरला गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया गया है कि जो भी पर्सन जो कि केरला का है और बाहर रह रहा है मतलब प्रवासी बन चुका है कि दूसरी कंट्री वगैरह में रह रहा है, नॉन रेजिडेंट है केरला का, उसको एक बार 5 लाख रुपए का पेमेंट है वो करना पड़ेगा और उसके बाद वो इस पेंशन के लिए एलिजिबल है वो हो जाएगा। और जो 5 लाख रुपये वो देगा वो 5 लाख रुपये केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है बोर्ड है उसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड, उसके बाद उसको धीरे धीरे वो पेंशन है वो मुहैया करवाई जाएगी। तो ये इसके फीचर्स या इसकी क्वालिटी या हम बोलते हैं क्राइटेरिया रखा गया है। अब देखो कुछ फैक्ट देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया है कि जो केरला के गवर्नर है उन्होंने एक इंटरनेशनल टोल फ्री लाइन है वो भी स्टार्ट किया है ताकि इस स्कीम के बारे में कोई भी पर्सन है जो मलयाली पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन जान सकता है। इसके साथ ही वहाँ के कंप्लेंट्स वगैरह वो रजिस्टर कर सकता है कोई भी इशूज़ हो इसके रिगार्डिंग, या फिर जैसे कोई भी इशूज़ वगैरह हो कंप्लेंट वगैरह ऐसे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं वो जो नॉन रेजिडेंट होंगे इंडियन जो केरला से बाहर रह रहे हैं। अब एक फैक्ट ये है कि केरला के लगभग 2.1 मिलियन माइग्रेंट्स हैं जो वर्ल्ड के अदर हिस्सों में रहते हैं और उनमें से 90% जो पर्सन है ना वो तो केरला के मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है। तो ये देखो थोड़ा हमें याद एक तरह से पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। और देखो ये जो प्रवासी लोग होते हैं जो NRI वगैरह होते हैं इनका बेनिफिट क्या होता है कि ये जब भी मतलब इंडिया वगैरह आते हैं इनके इंडिया में रिलेटिव वगैरह रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं इससे इंडिया को एक फॉरेन जो रिजर्व है वो भी मिलता है, इसके साथ ही इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व भी इससे बढ़ता है। तो
तो काफी सारे हमारे वैल्यू बनती हैं, इसके साथ ही इंडेक्स सॉफ्ट पावर है वो भी बढ़ती है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। तो देखो आज यही कुछ तीन चार आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे जिनको हमने यहाँ पे कवर किया, क्योंकि सैटरडे संडे था पहले, तो इसलिए उसमें पीआईबी में कुछ इतनी ज्यादा न्यूज है वो रही भी नहीं थी। अब क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है वो है पॉलिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सिटीजनशिप के जो हमारे प्रावधान है, प्रोविजन है, वो संविधान के तीसरे हिस्से में है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सिटीजनशिप है इंडिया में वो बर्थ, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, मतलब कि प्राकृतिक कारणों से या फिर पंजीकरण या फिर बर्थ के आधार पर ही हमारे देश में जो हम एक तरह से बात की सिटीजनशिप है वो मिल सकती है। तो अब आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखो हम बात करें यहाँ पे कि हमारे संविधान के अंदर जो तीसरा पार्ट है उसी में अंदर पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि भाई सिटीजनशिप है वो किस किस आधार पे मिल सकती है, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। और बात करें दूसरे स्टेटमेंट की तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट का मतलब तो क्या हुआ, दोनों कोई सा भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम उसको सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। बाकी हमारे देश में जो सिटीजनशिप की बात करें तो वो बाई बर्थ के आधार पर या फिर डिसेंट या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन या फिर इंक्लूजन ऑफ टेरिटरी, जैसे इंडिया ने किसी भी टेरिटरी को अधिकृत किया तो उसमें जो भी लोग रहेंगे तो उनको इंडिया की एक तरीके से जो भी मतलब नागरिकता है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है सुलेमान और किर्थल हिल है वो कहां पे लोकेटेड है। पहला ऑप्शन आपके सामने अफगानिस्तान और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और इंडिया, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और नेपाल, चौथा है इंडिया और अफगानिस्तान। देखो सुलेमान और किर्थल की पहाड़ियां वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में, उन बॉर्डर वाले एरिया में, तो ये ऑप्शन यहां पे सही हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे राइस के बारे में कि वो प्लेस कौन सा है जहाँ पे पहली बार राइस को ग्रो है या उगाया है वो गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है ईस्टर्न घाट, दूसरा दिया गया है नॉर्थ और नॉर्थ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तीसरा दिया गया है नॉर्थ ऑफ विंध्याज और चौथा दिया गया है नीलगिरी रीजन्स। तो देखो हम बात करें पहली बार राइस के जो एविडेंस है वो गया था ईस्टर्न घाट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा यह मानती है कि हमारा राज्य हमें संरक्षण और अधिकार प्रदान कर सकता है जो हमें आज दुनिया में गरिमा के साथ जीने की जरूरत होती है, मतलब हमें राज्य है वो अधिकार देगा जो हमें जीने के लिए जरूरी है वो होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वैश्विक नागरिकता ऐसी समस्याओं से निपटना आसान बना देती है जो राष्ट्रीय सीमाओं में फैली होती है और इसके लिए सहकारी कार्यवाही की आवश्यकता होती है। अब आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो हम बात करें यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कुछ आई थिंक एक्सपीरियंस की कोई जरूरत है वो नहीं है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि प्राचीन भारत में पुरुष और जो महिलाएं हैं वो अक्सर एक तरह से माइग्रेट या प्रवास करती थी, इसके रीजन क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आपके सामने कि आजीविका की तलाश में, दूसरा ऑप्शन दिया गया कि बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पुरुषों ने सेनाओं में मार्च किया, दूसरे की भूमि पर विजय प्राप्त की, मतलब एक जगह से दूसरी आर्मी जाती थी तो वहां जीत के चले जाते थे तो इसलिए भी माइग्रेशन होता था। चौथा दिया गया है यहाँ पे व्यापारियों ने काफिले या जहाजों के साथ यात्रा की जगह से बहुमूल्य सामान ले जाने के लिए। और पांचवा ऑप्शन दिया गया कि धार्मिक शिक्षकों को गांव से गांव, शहर से शहर, गांव से गांव, शहरों में चला गया, इसके साथ अनुदेश और रास्ते पर सजा चलने रोकने के लिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया कि रोगों ने एडवेंचर की भावना से प्रेरित होकर यात्रा की। देखो हम बात करें जो प्रवासन और माइग्रेशन के रीजन्स में सारे के सारे रीजन ही है, सारे के सारे कोजेज यहाँ पे फिट बैठते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पेलियोलिथिक युग के बारे में कि पेलियोलिथिक जो एज थी उसके बारे में कह रहा है कि पत्थर के जो औजार या स्टोन के जो औजार यूज किए जाते थे उसके बारे में कहा गया है। पहला ये कह रहा है कि खाद्य जड़ों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब जमीन के अंदर जो खाद्य पदार्थ होते थे उनको इकट्ठा करने के लिए पत्थर के औजारों का यूज किया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो पत्थर के औजार थे उनके द्वारा पशु त्वचा से बने कपड़े की सिलाई की जाती थी। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भाले और तीर से। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि मर्द के बगल में विशेष उपकरण के रूप में उन्हें दफनाने के दौरान उनका यूज है वो किया जाता था। देखो हम बात करें यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट है सारे के सारे वो सही हो जाते हैं। सॉरी रीजन क्या है इसकी बात की, देखो पाषाण युग के बाद है वो एक तरह से अंत्येष्टि और कर्मकांड रहते, तो मतलब चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि मर्द के बगल में ही मतलब उसको दफनाते टाइम जो औजार थे पत्थर वगैरह उसके पास रखे जाते थे। ये काम तो एक्चुअली पेलियोलिथिक एज के बाद स्टार्ट हुआ था, पहले नहीं हुआ था। चौथे को हम एलिमिनेट करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा सी, 1, 2, 3 है वो इसके ऑप्शन है वो यहाँ पे
सही है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। जो PDF है और जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो वेलकम UPSC का टेलीग्राम पे चैनल है, आप टेलीग्राम पे जाके वेलकम UPSC से सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।